हेलो हेलो जी, विधायक जी बोल रहे हैं? जी हाँ, विधायक जी बोल रहे हैं जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, आप कौन से विधानसभा के विधायक हैं सर? अररिया। अररिया सर, ये अभी चैनल में चलेगा आपका बयान, ठीक है सर? क्या बयान आपसे ये लेना चाह रहे हैं हम। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कल घोषणा किया है कि हम 12 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे जी। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं सर? सरकारी नौकरी दे तो अच्छी बात है, सारी बात तो झूठी है। उनका कहा हुआ उनकी तो दूसरा विभाग से कहां से नौकरी हो जाएगा। उन्होंने जो भाजय दिया भाषण सर, तिरंगा फहराने के बाद उन्होंने कहा कि झंडा उत्तोलन के बाद कि हम जो है 10 लाख के बदले 12 लाख लोगों को नौकरी देंगे। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या युवाओं को नौकरी मिलेगा? तो लेकिन देने से बाहर है वो, उनका अपना जहनी नियंत्रण खो चुका है जी। बोलते कुछ है, करते कुछ है। अच्छा, हाउस में के पाठक के टाइम में उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि स्कूल का समय 9:30 होगा जी। आज तक वो समय अब तक नहीं हुआ। जब अच्छा। उनकी बात नहीं रही तो इसके बाद कितना आदमी तो बाहरी होना रोजी रोटी का सवाल है, क्या होगा आप भी जान सकते हैं जी। हम ये आपका बात जो है पूरे बिहार की जनता आपकी बात सुनेगी। आज जो ये डालेंगे आपका ऑडियो बहुत लोग सुनेंगे, और आप राजनीतिक क्षेत्र से हैं, लोगों के आप सेवा करते हैं, तभी ना आप विधायक बने हैं सर। एकदम विधायक बने हैं, अपने बल पर विधायक बने हैं जी। और बिहार में सबसे ज्यादा वोट से हम जीते हैं। पूरे बिहार में आप ज्यादा वोट से जीते हैं। सवाल आपसे यह भी है सर, एक बात और, अभी जो राजनीतिक हो रही है, तांती लोगों का आरक्षण खत्म कर दिया गया, सेंट्रल पे आते हैं, सेंट्रल पे आते हैं, राजनीतिक में सारा चीज को बिहार में सेंट्रलाइज किया गया। किसी भी राजनीतिक दल को किसी सफेद पोस्ट को सामने बढ़ने नहीं दिया जाता है, सारा काम बैठे बैठे यहीं पे होता है। नीतीश कुमार जी आरक्षण के मुद्दे पे क्यों चुप रह रहे हैं सर? हमेशा इसी तरह करते हैं वो सोच जब अहम मुद्दा होता है कोई बात का, सीधे सोच का विस्तार ले लेते हैं, कुछ बोलते ही नहीं। सर बिहार में सबसे ज्यादा जरूरत है, ठीक है मुख्यमंत्री जी ने बोला कि हम इतना काम किए हैं, लेकिन जहाँ पे जो मुद्दा है अभी आरक्षण पे जो प्रहार हो रहा है, SC ST के आरक्षण में जो एक शेड्यूल लागू हो रहा है, तो उस पे आपका क्या राय है? तो मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं? तो जितने भी राजनीतिक दल सामने सामने आना चाहिए, मन 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 मरमड़ी है, लेकिन सामने आना होगा। सामने आ कहाँ कोई रहे, उनके उनके दल में भी लोगों को मरमड़ी है। सर आप कांग्रेस से हैं, ठीक है सर? हाँ हम कांग्रेस से हैं। तो कांग्रेस से हैं, कांग्रेस की बात आप हिंदू मुस्लिम के इसको आप कैसे देख रहे हैं? आप मुस्लिम समुदाय से हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कभी इस तरह की बात नहीं की सिलेक्शन की, हमेशा एक समान लेको मोहब्बत का पैगाम लेके चलते हैं, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे वो राहुल जी हो, चाहे सोनिया जी हो, चाहे हमारे हमारे अध्यक्ष हैं वो भी हो, हम लोगों का बात में कोई भी वो नहीं है कि चाहे वो हिंदू या मुसलमान है। सदन में आप रहते हैं सर, सदन में आप अपने क्षेत्र की बात करते हैं, तो आप युवा की भी बात करते हैं, अधिक पद खाली है, क्या सिर्फ शिक्षकों की ही बहाली होगी कि और सारे पद जो खाली हैं, जब चुनाव आएगा तभी जाके कि हम इतना वैकेंसी बहाली करेंगे, चुनाव आने से बाद सो जाएंगे? अभी 1 लाख सीट खाली हर डिपार्टमेंट से, 1 लाख नहीं भर्ती कर रहे हैं शॉर्ट के बिस्तर लिए हुए जी। लोगों को बेरोजगारी कम होगा जी, बेरोजगारी लोगों को शॉर्ट के बिस्तर लिए हुए हैं, ताकि हम कुछ बोलते ही नहीं है, और जितना बाहरी पूरे डिपार्टमेंट में कर दिया जाए, कम से कम आगे से जिसी लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सर अंतिम सवाल पे अब आते हैं, ठीक है? आपका घोषणा पत्र में भी था, कांग्रेस के घोषणा पत्र में, कि पुरानी पेंशन को लागू करेंगे, ठीक है सर? तो सरकारी कर्मचारी जो दुख दर्द में है, एक MLA MP अगर एक बार बनते हैं तो पेंशन सबको मिलता है, तो सरकारी कर्मचारी को जो पेंशन नहीं मिलता है, आप लोगों ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो पेंशन योजना, वैसे छत्तीसगढ़ में पेंशन योजना लागू है सर? तो हम भी यहाँ पेंशन लागू करेंगे। मध्य प्रदेश में लागू है सॉरी, आपकी सरकार
हमारा जो मैनिफेस्टो उस पर हम लोग खड़े उतरते हैं हमेशा, हमारे राहुल जी नेता है, वो जब भी जहाँ जिस चीज का घोषणा किया उस घोषणा में हम लोग शामिल रहे। सॉरी सर, छत्तीसगढ़ बोल दिया मैंने, वहाँ पे मध्य प्रदेश में आपकी सरकार, मध्य प्रदेश तो मध्य प्रदेश में ओपीएस लागू किया गया, ओल्ड पेंशन स्कीम जी। तो आपके स्तर से ये बताइए, सरकारी कर्मचारी को पेंशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जब हमारी सरकार बनेगी, हमारे राहुल जी नेता है होंगे, हम लोग लागू कर देंगे। तो सर, ये जनता सुनना भी चाहती है पूरे बिहार से, अभी आपका बात सुनेंगे तो आप क्या आगामी जो विधानसभा होगा आप नीतीश कुमार को कहेंगे कि पुरानी पेंशन लागू किया जाए? हाउस में बोलते हैं, हमेशा करते हैं, रोक टोक बोलते हैं, कभी किसी से पीछे नहीं हटते हैं बोलने में हम जी जी। अच्छा, क्षेत्र से अभी आपके भी विधानसभा क्षेत्र में बिजली की समस्या से जूझ रहे होंगे? बिजली समस्या पूरे बिहार में इसी तरह है जी। पटना में जहाँ रहते हैं, चार दिन पहले आए थे, 3 घंटा तक जी सुना। तो उसमें क्या कुछ होगा सर काम? उसमें हम लोग बार बार कह रहे हैं, दुरुस्त दुरुस्त किया गया हर जगह, पूरे बिहार में यही चीज बना हुआ हर जगह। सर, एक युवा के तरफ से, हम भी युवा हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं जो पत्रकारिता करते हैं, तो मेरा यह सवाल है, युवा के रोजगार पे भी आप सर सदन में आवाज उठाएंगे? कितने लोग युवा बेरोजगार हैं और बेरोजगारी के कारण लोग डिग्री जो है अपना बक्सा में बंद है सर। तो आप सर विधायक बने हैं, क्षेत्र के युवा लोग भी आपको वोट दिए हैं, कांग्रेस की सरकार में, तो कांग्रेस तो जहाँ जहाँ है सरकार तो वो नहीं कर रही, बिहार में सर आप आवाज थोड़ा बुलंद किया जाए। हम एकदम आवाज बुलंद करेंगे, इस बार मोशन देंगे हम, ये प्रॉब्लम पूरे बिहार का प्रॉब्लम है, ये हमारा भी प्रॉब्लम है, हमारे जो भी युवक है वो हमारे साथी है, हमारे जो भी कदम उठाया जाएगा हम हर वक्त तैयार हैं। तो यही सर, मतलब वहाँ पे ये उठाया जाए कि शिक्षक की ठीक है आप वैकेंसी, अगर और जो भी ITI है, पॉलिटेक्निक है, बहुत सारे आपका पद खाली है, उस पद को थोड़ा उस मुद्दा पे उठाया जाए। एकदम आवाज उठाएंगे हम। चलिए, आपकी बातों से हम सहमत हैं। मैं आबिदुर रहमान, अररिया विधायक 49।